हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम आपको इस वीडियो में भारत में बनने वाले 5 ऐसे नए स्टेडियम के बारे में बताने वाले हैं जो कि अब तक का भारत का सबसे अनोखा और शानदार स्टेडियम होगा जो अगले 2 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा और इन स्टेडियम में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैच भी खेले जाएंगे। दोस्तों शायद आपको पता होगा कि भारत में 52 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो किसी भी अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट स्टेडियम भारत में ही है और भारत अगले 2 सालों में 5 ऐसे अनोखे और शानदार स्टेडियम बनाने वाले हैं जो भारत के अन्य क्रिकेट स्टेडियम के मुकाबले बेहद ही खूबसूरत और शानदार है, जिसे देखने के बाद आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तो दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं भारत में बनने वाले 5 ऐसे अनोखे और शानदार स्टेडियम जिसको आपने शायद ही कभी देखा होगा। नंबर 5, नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि भारत के कई राज्यों में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है सिवाय बिहार राज्य को छोड़कर, लेकिन अब बिहार राज्य में भी होगा बिहार का अपना क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों बिहार के नालंदा में बनने जा रहा है बिहार का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी थी, तब अक्टूबर 2020 तक स्टेडियम के निर्माण करने की तारीख तय की गई थी और वर्ष 2022 में यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों का योजना होना था, लेकिन 2020 में लॉकडाउन के कारण इस स्टेडियम के निर्माण को रोक दिया गया था। फिर 1 साल के अंतराल के बाद इस स्टेडियम के निर्माण का काम फिर से शुरू हो गया है, जिसका जिम्मा मुंबई के निर्माण एजेंसी सापुर्जी प्लोंजी ग्रुप को दी गई है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस स्टेडियम को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के मॉडल पर बनाया जा रहा है। यह स्टेडियम 90 एकड़ जमीन में 730 करोड़ लागत में बनाया जा रहा है और यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा आधुनिक स्टेडियम होगा, जिसमें 45,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले इस स्टेडियम के निर्माण पर 730 करोड़ रुपए खर्च होनी है और अब तक 300 करोड़ रुपए निर्माण एजेंसी को पेमेंट भी कर दिया गया है। दोस्तों नालंदा स्टेडियम में आपको क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों की फैसिलिटीज भी मिलेगी। यहाँ कैंपस में एक बड़ा और छोटा स्टेडियम, तमाम खेलों के लिए जरूरत की खेल सामग्री, अस्पताल, मोटिवेशनल सेंटर, रिवर्स पवेलियन, जू प्लस 2, फुटबॉल फील्ड, टॉयलेट, बास्केटबॉल, डाइविंग पूल, 6 स्पोर्ट्स हॉल और स्टेडियम में ठहरने के लिए 45 रूम, 1500 लोगों की कैपेसिटी का हॉल। इसके अलावा इस स्टेडियम में किचन, बाथरूम, ओपन स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल के 2 ग्राउंड, 5 मल्टीपर्पस हॉल, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और ड्रेसिंग रूम भी तैयार किए जाएंगे। एक तरह से कहा जाए तो इस स्टेडियम को आधुनिक डिजाइन में बनाया जा रहा है जो कि पूर्वी भारत का एक स्मार्ट स्टेडियम होगा। नंबर 4, गोवा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। दोस्तों आप सभी लोग जानते ही होंगे कि गोवा एक टूरिस्ट सिटी है जहां देश विदेश के लोग घूमने आते हैं और अब इस स्टेडियम के बन जाने से यहां घूमने वालों की संख्या और भी बढ़ जाएगी। इस स्टेडियम की बात करें तो गोवा के धारगन में एक त्रिपोज स्टेडियम है जिसे गोवा क्रिकेट संघ का घरेलू मैदान कहा जाता है। यह स्टेडियम 13 एकड़ जमीन में 150 करोड़ लागत में बनाया जा रहा है और इस स्टेडियम में 130,000 लोग लाइव मैच का मजा उठा सकते हैं। यह स्टेडियम कई वजह से खास होगा। इसमें मिलने वाली फैसिलिटीज जैसे कि जिम, पार्किंग, प्रैक्टिस ग्राउंड, इंडोर आउटडोर पैलेस जैसी सुविधाएं देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इसमें गजब का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी होगा जिसमें कैफेटेरिया, स्विमिंग पूल जैसे मॉडल फैसिलिटीज भी मिलेगी। अब दोस्तों हम आपको भारत में बनने वाले एक ऐसा अनोखा स्टेडियम दिखाने वाले हैं जिसमें चाहे जितनी भी बारिश हो जाए, बारिश के रुकते ही मैच आधा घंटा के अंदर में ही स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 3, मुलानपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों यह स्टेडियम पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में बन रहा है। आप सभी को पता ही होगा कि चंडीगढ़ को भारत का सबसे खूबसूरत सिटी का अवार्ड मिला हुआ है और इस स्टेडियम के बन जाने से इस स्मार्ट सिटी की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। करीब 38 एकड़ जमीन में 200 करोड़ लागत में बनाया जा रहा है यह स्टेडियम भारत के अन्य स्टेडियम के मुकाबले काफी अनोखा और शानदार है। इस स्टेडियम में स्पेशल ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है। इसमें चाहे जितनी भी बारिश हो, मैच बाधित नहीं होगी। बारिश बंद होते ही पिच को आधे घंटे में खेलने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा मैच देखने वाले लोग भी धूप और बारिश से बच सकेंगे। इसके लिए स्टेडियम में खास तौर पर रूप सीट्स लगाई जाएगी। मुलानपुर क्रिकेट स्टेडियम न सिर्फ हाईटेक है बल्कि इसमें सुख सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें 60 कारपोरेट बॉक्स है जो कि अभी तक देश के किसी भी स्टेडियम में नहीं है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस स्टेडियम में 34,000 लोग एक साथ मैच देख सकते हैं। ऐसे में मैच देखने के लिए आने वाले वाहन चालकों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए स्टेडियम में 1600 वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इस स्टेडियम में सोलर सिस्टम भी लगाया जाएगा। दोस्तों शायद आपको पता होगा कि मोहाली स्टेडियम 13 एकड़ में बना है, लेकिन यह नया स्टेडियम 38 एकड़ में फैला हुआ है, इसलिए इस स्टेडियम में 3 ग्राउंड होंगे।
एक ग्राउंड केवल इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए होगा, जबकि दूसरा डोमेस्टिक के लिए और तीसरा प्रैक्टिस के लिए। और रात में मैच खेलने के लिए यहाँ 4 से 6 हाई पावर फ्लड लाइट्स होगी। इस स्टेडियम में टोटल 16 गेट है ताकि दर्शकों को बाहर आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको भारत में बनने वाला दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 2, जयपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, भारत में अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह स्टेडियम राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनेगा। असल में यह स्टेडियम जयपुर से बाहर जयपुर दिल्ली हाईवे पर बनाया जाएगा। दोस्तों, यह स्टेडियम 2 फेज में तैयार होगा। पहले फेज में 45,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता के साथ स्टेडियम तैयार किया जाएगा। फिर इसकी क्षमता को 30,000 और बढ़ाया जाएगा। इस तरह से पूरी तरह तैयार होने पर इस स्टेडियम में कुल 75,000 दर्शक बैठ सकेंगे। इसका मतलब है कि यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। पहले नंबर पर गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम आता है, जिसमें 1,10,000 आदमी बैठ सकते हैं। और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें 1,00,000 दर्शक बैठ सकते हैं। दोस्तों, यह नया स्टेडियम 100 एकड़ जमीन में बनकर तैयार होगा। इस पर कुल खर्चा 650 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। पहले फेज में 300 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए BCCI देगा, जबकि 100 करोड़ रुपए का लोन जुटाया जाएगा और वहीं 90 करोड़ रुपए का इंतजाम RCA करेगा। माना जाता है कि यह स्टेडियम साल 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। अगर इस स्टेडियम की फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें 2 प्रैक्टिस ग्राउंड, अकेडमी, क्लब हाउस, होटल, क्रिकेट अकेडमी, हॉस्टल, जिम, पार्किंग फैसिलिटी और बाकी इंटरनेशनल स्टेडियम की तरह जरूरी सुविधाएं भी दी जाएगी। तो दोस्तों, आपका इस स्टेडियम के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में बताइएगा। अब दोस्तों, बारी है नंबर 1 की। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। दोस्तों, भारत में बनने जा रहा है भारत का पहला आधुनिक सांस्कृतिक स्टेडियम, जो कि भारत के अन्य स्टेडियम के मुकाबले काफी अलग और शानदार होगा। नंबर 1, वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को जल्द ही एक और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी के गंजारी में इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया था। यह स्टेडियम 450 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा, जिसमें 30,000 लोग लाइव मैच का मजा उठा सकते हैं। 30 एकड़ की जमीन पर बन रहा यह शानदार क्रिकेट स्टेडियम बेहद ही खास है। पीएम मोदी ने बताया कि यह स्टेडियम स्वयं महादेव को समर्पित है। इस स्टेडियम की रचना डमरू, बेलपत्र, त्रिशूल और वाराणसी घाट से प्रेरित है। इसकी बनावट में छत से लेकर फ्लड लाइट्स और पवेलियन तक हर जगह काशी शहर और महादेव से जुड़ी चीजों की झलक दिखेगी। इस स्टेडियम के निर्माण का जिम्मा लॉर्सन एंड ट्रूबो ने संभाल लिया है और स्टेडियम निर्माण के लिए LNT को 331 करोड़ रुपए और GST का भुगतान कर दिया गया है। कंपनी का मानना है कि 30 महीने में दिसंबर 2025 तक यह स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे भारत में बनने वाले 5 सबसे अनोखे और शानदार स्टेडियम। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।